क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का रिश्ता लंबे समय से चलता आ रहा है, जहां कई बार क्रिकेटर के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम चर्चा और खबरों में रहता है। बॉलीवुड की कई सारे एक्ट्रेसेस के नाम क्रिकेटर से जुड़ चुके हैं। कई बार उनके करीब आने की खबरें सच होती है तो कई बार महज एक अफवाह बनकर रह जाती है। पिछले कुछ समय से इंडियन बैट्समैन केएल राहुल और सुनील शेट्टी की डॉटर आथिया शेट्टी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी खूब चर्चाएं हो रही थी। वहीं 5 नवंबर यानी 2 दिन पहले आथिया शेट्टी के बर्थडे के दिन क्रिकेटर केएल राहुल ने आथिया शेट्टी के साथ के उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियली कर दिया है। केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम पर आथिया शेट्टी के बर्थडे पर उनके साथ की दो प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए आथिया शेट्टी को बर्थडे की बधाई दी है। इस प्यारी सी तस्वीरों को शेयर करते हुए केएल राहुल ने उसके साथ कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव, जहां एक तस्वीर में ये कपल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ स्माइल करता हुआ कैमरे को पोज कर रहा है। वहीं दूसरी मोनोक्रोम तस्वीर में ये कपल अपनी टंग आउट वाली पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर पर आथिया शेट्टी के फादर और एक्टर सुनील शेट्टी, वहीं उनके भाई अहान शेट्टी ने भी हार्ट की इमोजी शेयर करते हुए तस्वीरों को प्यार दिया है। इस तस्वीर को शेयर करते ही ये कपल को क्रिकेट और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहीं फैंस ने भी कमेंट के जरिए ढेर सारी बधाइयां देना शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की वाइफ ने भी इस तस्वीर पर हार्ट की इमोजी शेयर करते हुए प्यार दिया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की वाइफ संजना गणेशन, सानिया मिर्जा, कृणाल पांड्या की वाइफ पंखुरी शर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव समेत कई सारे सेलिब्रिटीज ने हार्ट की इमोजी शेयर करते हुए प्यार दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंग्लैंड में अपने मैच टूर के लिए जब केएल राहुल रवाना हुए थे तो आथिया शेट्टी को साथ में लेकर गए थे। इंग्लैंड जाने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ हुई बातचीत के दौरान केएल राहुल ने आथिया शेट्टी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। टूर में हर खिलाड़ी को अपने साथ सफर कर रहे पार्टनर का नाम बताना था। राहुल ने पार्टनर के तौर पर आथिया शेट्टी का नाम बताया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।